أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آج ہمارے اس درس کا عنوان ہے توحید الاسماء والصفات، اور یہ ہماری پانچویں مجلس ہے. یہ درس شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری ہے. کل توحید الوہیت میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ لفظ اللہ یہ موصوف
आता है और इसकी बाद में सिफत आती है और सिफत इस्तेमाल नहीं होता। इस हद तक तो ये बात ठीक है। इसके साथ जो ख़बर का लफ्ज़ बोला गया था ना, वो लाशोरी या सबकते लिसानी या जहूल की वजह से है। वो यानी ख़बर आ जाता है लफ्ज़ अल्लाह ख़बर, ये दर्स के अंदर जो है ना ख़बर ना होने का ये ज़िक्र हो चुका था, ये ख़ता समझ ली जाए। क्योंकि कुरान मजीद और अहादीस और आम बोली के अंदर लफ्ज़ अल्लाह ख़बर भी इस्तेमाल हो जाता है। जिस तरह कोई कहे रब्बुन अल्लाह, इसकी वैसे दोनों तरकीबें हो सकती हैं, रब्बुना ये मुब्तदा बन जाए और लफ्ज़ अल्लाह ख़बर, या लफ्ज़ अल्लाह मुब्तदा मुअख्खर हो जाए और रब्बुना ये ख़बर मुकद्दम हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो लफ्ज़ अल्लाह ख़बर आ जाता है। बहरहाल सिफत जो है ना ये नहीं इस्तेमाल होता कि सिफत हो, ये अल्लाह का आलम है जैसा कि बताया गया था, और इस पर अल्लाह ताला की सिफात जो है ना वो जारी होती है। क्योंकि सिफात ज़ात की होती हैं, अल्लाह चूँकि ज़ात है, ज़ात बारी ताला, तो ज़ात बारी ताला वो ज़ात मुजर्रद नहीं है, जैसा कि जहमिया कहा करते थे। जहमिया सिफात और अस्मा के मसले में वो जलालत में मुब्तला हुए, और किताब सुन्नत वाला तरीक़ा और सलफ़ वाला तरीक़ा जो सहाबा और ताबेईन का था वो उन्होंने तर्क कर दिया था। अल्लाह के बारे में कहते थे कि अल्लाह ज़ात मुजर्रद है, यानी सिफात के बग़ैर, सिफात से खाली महज ज़ात है। ये उनका कौल सही नहीं, गलत है, किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह सिफात कमालिया वाला है, अल्लाह की जितनी भी सिफात हैं वो कमालिया ही कमालिया है। अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात, सिफात का दायरा बहुत ही वसी है। अल्लाह की सिफात वो बेशुमार हैं, गैर महसूर हैं, वो इंसान उनको गिन सके या उनका इहाता कर सके ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला की सिफात गैर मुतनाही हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला के अस्मा ये भी गैर महसूर हैं, और दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला के अस्मा ये हुस्ना हैं, जितने भी हैं ना सब हुस्ना ही हुस्ना हैं। लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के नाम जो है ना वो अस्माए हुस्ना है अल्लाह के। अल्लाह का हर इसमें ग्रामी वो उसके अंदर हुसन है, खूबसूरत है, अच्छी सिफात पर मुश्तमिल है। अल्लाह का हर इस्म जो है ना उससे अल्लाह की सिफत जो है ना वो साबित होती है, अल्लाह के हर इस्म से सिफत पर दलालत होती है। इसी से सलफ का ये कायदा है, कुल्लो इस्मिन यतज़म्मनु सिफतन, कुल्लो इस्मिन लिल्लाहि तआला यतज़म्मनु सिफतन लिल्लाहि तआला, यानी हर इस्म वो सिफत पर दलालत करता है। यतज़म्मनु लफ्ज़ बोलते हैं, कुल्लो इस्मिन यतज़म्मनु सिफतन, के हर इस्म सिफत को मुतज़म्मिन होता है, अल्लाह ताला की सिफत को मुतज़म्मिन होता है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला के अस्मा किताबुल्लाह के अंदर बहुत सारे ज़िक्र किए गए हैं। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने किताबु तौहीद के अंदर तकरीबन 25 अस्माए हुस्ना का इंतखाब किया है, जो किताबु सुन्नत से उनको साबित किया है। किताबुल्लाह आयात भी लिखी हैं और
احادیث بھی ذکر کی ہیں، ان میں یہ آیت کریمہ جو ہے نا یہ بھی ذکر کی ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ کے اندر جو سورہ حشر کی 22-24 نمبر آیت کریمہ ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کے اسمائے بعض اسمائے حسنہ کا ذکر ہے. سب سے پہلے اللہ ہی ذکر کرتے ہیں جب اسماء کا ذکر کرتے ہیں اللہ، کیونکہ باقی صفات باقی اسماء جو ہے نا وہ عموماً صفاتی ہوتے ہیں، تو لفظ اللہ وہ موصوف بن جاتا ہے، باقی اسماء صفاتی وہ صفت بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی. تو اللہ کے بارے میں کل ذکر ہو رہا تھا، کیونکہ اہل علم کا اختلاف ہے لفظ اللہ یہ جامد ہے یا مشتق ہے. اگر مشتق ہو تو مشتق جو ہے نا یہ وصف ہوتا ہے، اور جامد یہ علم ہے، یعنی جامد بھی اگر سمجھ لیا جائے تو علم ہے، اگر مشتق سمجھ لیا جائے تو پھر نہیں ہے. اگر کوئی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کہے نا اللہ، یہ شرک اکبر ہے. یہ گویا کہ اس نے، یہ تو اس طرح ہی ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا ہے، ذات میں شریک کر دیا ہے. پہلے دن میں نے بتایا تھا آپ کو کہ توحید اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے فی ذات ہی، اللہ وحدہ لا شریک ہے فی صفات ہی، اللہ وحدہ لا شریک ہے فی افعال ہی، اللہ وحدہ لا شریک ہے فی امر ہی، اللہ وحدہ لا شریک ہے فی استحقاق عبادت ہی. تو یہ ذات میں شریک ٹھہرانا ہے. اگر لفظ اللہ کسی اور پر بولے، اللہ صرف ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات جو کہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے، اپنی صفات کے ساتھ وہ اللہ ہے. اللہ ذات مجرد نہیں ہے جیسا کہ جہمیہ کہا کرتے تھے. اہل سنہ کے نزدیک اللہ صفات والی ذات ہے، اور صفات بھی اللہ تعالیٰ کی کمالی ہیں، یہ بھی کلیہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر، کہ تمام صفات جناب کمالی ہی کمالی ہیں، یعنی ان میں کمال ہی کمال ہے. اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نقص والی جو صفت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہو سکتی، نقص والی صفت، جس سے اللہ تعالیٰ کی تنقیص لازم آتی ہے. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اس سے جتنی بھی نقائص والی صفات ہیں نا ان سب کی نفی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نسبت نہیں ہوتی. اللہ ان سے پاک ہے، مقدس ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے. یہاں بھی یہ آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے اسماء ذکر ہو چکے ہیں نا، ان میں کمالات ہی کمالات ہیں، اور حسنہ ہی حسنہ ہیں، اور صفات کمالیہ کو متضمن ہیں یہ. جب صفات کمالیہ اللہ کے لیے ثابت ہوتی ہے نا، تو اس صفت کی جو ضد ہوتی ہے نا، یعنی کیونکہ کمال کی ضد ہے نقصان، نقصان کامل اور ناقص، یہ عام طور پہ ایک دوسرے کے مد مقابل استعمال ہوتے ہیں نا، تو جو کمال ہے اس کی ضد جو ہے نا وہ نقصان ہے، نقصان. تو نقصان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، نقصان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس لیے سبحانہ اللہ وحدہ لا سبحان اللہ لفظ استعمال کیا ہے. یہ کئی آیات کے اندر ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ کی قدرت کا کرشمہ، رحمت کا کرشمہ ذکر ہوتا ہے نا عموماً، وہاں لفظ سبحان استعمال ہوتا ہے. مثلاً سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. یہ سبحان اس لیے لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے شروع میں، کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا ہے نا، معراج کروایا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، کمال کی قدرت ہے یہ، کیونکہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر کمال قدرت رکھنے والا ہے.
और ये अल्लाह ताला की कुदरत के साथ ऐसे हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ऊपर ले जाया गया है। और ये सुबहान इसलिए है कि अल्लाह हर किस्म के नक्स और कमज़ोरी से जो है ना वो पाक है, यानी ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के कुछ हिस्से में आसमानों की सैर ना करा सके, ऐसे हो नहीं सकता। सैर कराना थोड़े से हिस्से के अंदर पूरे आसमानों की, ये कमाल है अल्लाह ताला का। अगर ना करा सकना ये इज्ज़ है, इज्ज़, और इज्ज़ से अल्लाह ताला पाक है, इसलिए अल्लाह ताला बहुत ही बा बरकत और बा कमाल ज़ात है। अपने कमालात के अंदर अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, इस एतबार से ये तौहीदुल अस्मा व सिफात, यानी अल्लाह ताला की जो सिफात के अंदर तौहीद है ना, अल्लाह के नामों से वो साबित हो जाती है, क्योंकि अल्लाह का जो इस्म मुबारक होता है ना, ये अल्लाह के शायान शान होता है, कमा यलीको बे जलाले ही व शान ही। और सलफ का एक कायदा है कि इसमें मिसलियत नहीं है, लैसा का मिसले ही शैयुन, इस आयत करीमा से ये कुलिया निकल आता है, अल्लाह की मिसल कोई शय नहीं है, ये शैयुन जो है ना ये नकरा है, नकरा और नफ़ी के तहत आया है, ये इसमें उमूम हो जाता है, नकरा नफ़ी के तहत आ जाए ना तो उमूम होता है, यानी कोई भी शय वो अल्लाह की मिसल नहीं है, कोई बड़ी शय हो या छोटी शय हो, कोई दरमियानी हो, कोई भी शय अल्लाह की मिसल नहीं है, किसी सिफत के अंदर अल्लाह की मिसल नहीं है। अल्लाह अपनी जिस तरह ज़ात में बेमिसल है, इसी तरह अल्लाह ताला अपनी सिफात में भी बेमिसल है। मसलन अल्लाह ताला का एक तो इसमें ग्रामी यह लफ्ज़ अल्लाह ही है, ये कल बताया था कि यह सिफते उलूहियत पर जो है ना दलालत करता है, और उलूहियत के अंदर जो जामियत है ये हमारे तसव्वुर से बाहर है, जितनी वसत है इसके अंदर, जामियत है इसके अंदर। और मसलन अल्लाह ताला का ये इसमें ग्रामी है अस्समी, अस्समी। अब अस्समी ये सिफते समा को मुतज़म्मिन है, सिफते समा को, इसलिए सलफ के नज़दीक ये है अस्समी ओ बिस्समय, के अल्लाह सब कुछ सुनने वाला है, समा के साथ सिफते समा उसकी सिफत है, या अल अलीम है, ये सिफते इल्म को मुतज़म्मिन है, यानी अल अलीम बिल इल्म, अल्लाह इल्म के साथ, यानी सिफते इल्म, इस इल्म सिफत है उसकी जानना, इसके साथ वो अल अलीम है, इससे अल्लाह ताला का नाम है अल अलीम और अल आलिम और अल अल्लाम, अल्लामुल गुयूब ये अल्लाह ताला का नाम है। और अल्लाह ताला के अस्मा के अंदर जो है ना ये कुल्लियत होती है, एहाता, यानी उस सिफत के साथ कुल जो है ना लगाया जाता है, मसलन आला कुल्ले शैयन कदीर, कुल ये मखलूक चाहे जितनी भी कोई बड़ी हो ना, अजीम हो, उसके साथ ये लफ्ज़ कुल नहीं आता। मसलन किसी फरिश्ते के बारे में हम कहें आला कुल्ले शैयन कदीर, ये नहीं है। किसी बुज़ुर्ग के बारे में कहें, कोई पैगंबर है उसके बारे में कहें आला कुल्ले शैयन कदीर, ये नहीं है, ये नहीं है। ये अल्लाह के लिए जो है ना, चूँकि उसका इल्म चूँकि मुहीत है हर शय को, इहाता है उसके अंदर, कि कोई भी शय उसके इल्म से बाहर नहीं है। ला याज़ुबु अन रब्बिका मिसकालु ज़र्रा, तेरे रब से एक ज़र्रे के बराबर भी ओझल नहीं, हर शय उसके इल्म में है, हर शय उसके इल्म में है और उसके देखने में है, बसर में है। अल बसीर बिल बसर, अल्लाह ताला बसर अल्लाह की सिफत है,
समा अल्लाह की सिफत है, इलम अल्लाह की सिफत है। इस सिफत से जो है ना अल्लाह असमी अल बसीर और अल अलीम, और कुदरत अल्लाह की सिफत है, इस सिफत से अल्लाह अल कदीर है, अल कादिर है, अल मुक्तदिर है। ये कई असमा हैं, सब असमा ये हुस्ना ही हुस्ना है। ये मिसलियत की इसी से ही नफ़ी हो जाती है कि मखलूक पर जो जब वो लफ्ज़ बोला जाता है ना, वही इसम जब मखलूक पर बोला जाता है तो वहाँ कमाल मुराद नहीं होता, जब अल्लाह पर वही लफ्ज़ बोला जाए तो वहाँ कमाल मुराद होता है। कमाल, अब इस कमाल की भी हद नहीं है कि किस हद तक है कि उससे आगे नहीं, ये भी नहीं है। यानी वो कमाल की भी हद नहीं है, इतना है अल्लाह ताला के अस्मा के अंदर। बेकुल्ले शैइन आलीम, हर शय को खूब खूब जानने वाला है, अल्लाह ताला का इलम बहुत ही मुहीत है। अल्लाह वहदहू ला शरीक अल्लामुल गुयूब है, अल गुयूब पर जो अल है इस्तिगराकी है। इसी तरह आलिमुल गैब व शहादा, ये भी अल्लाह ताला का नाम है, अल गैब और अशहादत पर भी अल इस्तिगराकी है। ये है तो मस्तर, और आप जानते हैं कि मस्तर जब वसफ की जगह पर आ जाए ना तो इसमें मुबालगा हो जाता है। जिस तरह अदलुन आ जाए आदिल की जगह पर मुबालगा है और कसरत का माना आता है उसके अंदर। इसी तरह ये गैब मस्तर है, असल में ये गाइब के माना में है, आलिमुल गाइब। गाइब से मुराद यानी जमीउल गाइबात, जमीउल गाइबात, ये अलफ लाम इस्तिगराकी का माना बनता है। यानी हमसे जितनी भी चीज़ें हमसे गायब हैं, इंसानों की के इलम से, इनकी निगाहों से जो भी गायब हैं उन सब को जानने वाला, वरना अल्लाह ताला के लिए गायब कोई नहीं है, अल्लाह ताला से गायब कोई नहीं है। अल्लाह ताला के लिए हर शय वो ऐसे ही है जैसे हाज़र होती है। सब जिस तरह हमारे हथेली के अंदर एक गंदम का दाना हो, हम उसको यानी पूरा देख रहे होते हैं। सारी कायनात, ज़मीन आसमान और इनके दरमियान जो कुछ भी है, एक एक ज़र्रा जो है ना वो अल्लाह ताला के इल्म में है और उसके यानी बसर में है, जानता भी है और देखता भी है। ये कमाल है अल्लाह वहदहु ला शरीक का, एक एक ज़र्रा, उससे कोई शय मख्फी और उजल है ही नहीं, ये कमाल है। लेकिन इंसानों से बहुत सारी चीज़ें जो ये नहीं जानते और नहीं देखते, ये उनसे ज़्यादा हैं जो ये देखते हैं और जानते हैं। इंसान का इलम जितना भी हो जाए फिर भी अल्लाह ताला के इलम के मुकाबला में इसकी कोई निस्बत नहीं है। ये ऐसे ही है जिस तरह सिफर की निस्बत किसी गिनती के तरफ करें तो कह देते कोई निस्बत ही नहीं है। सही बुखारी के अंदर ये खजर अलैहिस्सलाम का वाक़या है, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो पेश आया था कश्ती में जब सवार हुए थे ना, कुरान के अंदर भी है। सही बुखारी के अंदर उसमें ये है कि उस वक्त एक चिड़िया आई, वो कश्ती के किनारे पर बैठी और समुंदर से एक कतरा लिया उसने अपनी चोंच के अंदर पीने के लिए, एक कतरा। उस वक्त खजर अलैहिस्सलाम ने देख के मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ मूसा, मेरा और तेरा इलम अल्लाह के इलम के मुकाबले में वो इतना है जितना चिड़िया की चोंच के अंदर एक कतरा है, समुंदर के मुकाबला में। क्या कोई ये कह सकता है कि एक कतरे से समुंदर के अंदर कमी आ गई है, कि समुंदर का पानी थोड़ा हो गया है एक कतरा लेने से? ये कोई नहीं कह सकता, ये सिर्फ निस्बत बताई। वो कतरा भी तो अल्लाह ने दिया ना उनको, यानी वो इलम जो कतरे के
अल्लाह के इल्म के मुकाबला में एक कतरा है। ये तो नहीं है कि अल्लाह वो नहीं जानता, वो कमी आ गई है उधर, अल्लाह वो भी जानता है। मखलूक के पास जितना भी इल्म है ना, ये इसके हुसूल के तरीके हैं, इसको हुसूली इल्म कहा जाता है, कस्बी इल्म। हाँ, नबूवत वाला जो इस इल्म होता है ना, नबूवत वाला, इसको कस्बी नहीं कहते, इसको वह भी कहते हैं, यानी अल्लाह की तरफ से हिबा, क्योंकि ये मेहनत करके हासिल नहीं किया गया होता। दुनिया में जो हम पढ़ते हैं तलबा मसलन मदारस के अंदर, ये कस्बी इल्म है, क्योंकि ये मेहनत है, इसके अंदर मेहनत करनी है, सबक याद करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके जो है ना इसको ज़्यादा बढ़ाना है, मेहनत कर कर करके, ये कस्बी है, हुसूली है लेकिन कस्बी। अंबिया को जो इल्म मिलता है ये होता है वहबी, उसमें ये नहीं है कि कोई मेहनत कर कर करके अपने अंदर इतनी इस्तेदाद पैदा कर ले खुद ही कि वो नबी बन जाए, ऐसे नहीं है। आलिम बनने के लिए ये है कि वो मेहनत करे, मेहनत करे, मेहनत कर करके एक बड़ा आलिम बन जाए, इधर हो सकता है इस्तेदाद पैदा हो जाए उसके अंदर, मुजतहिद बन जाए, मुफस्सिर बन जाए, मुहद्दिस फकीह बन जाए, ऐसे हो सके। लेकिन उधर नबी बनने के लिए जो है ना, वो इसकी ज़रूरत नहीं होती, वो अल्लाह वही के साथ जो है ना नबी को इल्म हिबा कर देता है, वही के ज़रिए जो इल्म। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, वही के ज़रिए इल्म मिला उनको, तो रात भी दी गई है, लिखी लिखाई तो रात मिल गई है। अब तो रात उनके सीने में भी थी, क्योंकि नबी को वो किताब जो है ना पूरी याद होती है, जब नबी को किताब मिलती है ना, क्योंकि ये तो नहीं कि हर वक्त वो किताब पकड़ी होती है नबी ने कि वो सुनानी है देख के लोगों को, वो ज़बानी बताता है। ज़रा नबी है सल्लम पर कुरान नाज़िल होता था ना, कोई लंबी सूरत भी होती थी ना, उसी वक्त ही नबी है सल्लम के सीने में महफूज हो जाती थी, जैसे सूरतुल अनाम है, लंबी सूरत इकट्ठी नाज़िल हुई है, कई मुफस्सरीन का कौल है, सारी उसी वक्त ही ज़बानी याद हो जाती थी, दिल में महफूज हो जाती थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, उनको इल्म मिला तुरात, और खजर अलैहिस्सलाम वो भी नबी थे राजे कौल के मुताबिक, तफसीर इब्ने कसीर में इसी को तरजीह दी है कि वो नबी थे, उनके पास जो इल्म था और मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो इल्म था वही के साथ उनको मिलता था। इस इल्म के बारे में जो है ना खजर अलैहिस्सलाम अल्लाह के इल्म के मुकाबला में फरमा रहे हैं कि ये समुंदर का एक कतरा, समुंदर का एक कतरा। तो अल्लाह वहदहु ला शरीक, वो हर वक्त जो है ना हर शय को जानने वाले, हर वक्त, हर वक्त, ये नहीं है कि कभी इल्म जाना कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए, ये नहीं है। फिर ये कमाल है अल्लाह ताला का कि वकू से पहले भी अल्लाह ताला को इल्म होता है, वकू। अब अरबों खरबों वाक़यात पेश आते हैं रोज़मर्रा ज़मीन के अंदर, और अल्लाह इनके वकू से पहले भी उसी तरह ही जानने वाला है जिस तरह वकू के वक्त जानने वाला है या वकू के बाद जानने वाला है। फिर ये भी याद रखें कि अज़ल ही से उसकी इब्तदा नहीं, क्योंकि जिस तरह अल्लाह की ज़ात की इब्तदा नहीं है, अल्लाह अज़ली ज़ात है, ऐसे ही उसकी ये सिफ़त इल्म, उसकी ज़ात इस सिफ़त के साथ वो अज़ल ही से मुत्तसिफ़ है, अपने उस इल्म के मुताबिक अल्लाह ताला ने लौहे महफूज के अंदर किताबत की है, लिखा है हर शय जो भी होने वाला है क़यामत तक, वो अपने उस कमाल इल्म के मुताबिक अल्लाह ताला ने वो अपने हाँ जो है ना उस लोहे महफूज के अंदर लिख लिया है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा कमाल है, यानी इसमें अल्लाह का कोई भी शरीक नहीं है कि वकू से पहले ही मालूम हो कि क्या होने वाला है। इसलिए तो आयतुल कुर्सी के अंदर अल्लाह ताला की खासियात ज़िक्र हैं, 10-11 खासियात आयतुल कुर्सी के अंदर ज़िक्र हैं, उनमें एक खासियत ये ज़िक्र है या अलम मा बैना अईदीहिम व मा खल्फहुम, कि अल्लाह जानता है जो कुछ इनके आगे, यानी पहले जो कुछ भी है, जो माजी के अंदर जो हो चुका है ना,
वो भी अल्लाह जाना, और जो इनके पीछे है, जो होने वाला है क़यामत तक, जो भी क़यामत और क़यामत के बाद, ये सब कुछ जानने वाला है अल्लाह ताला। दूसरे लफ्ज़ में हम कह सकते हैं आलिम माकाना व मा यकून, ये अल्लाह ताला की ज़ात है, उसका इल्म मुहीत है, माजी हाल और इस्तकबाल सब कुछ अलल इतलाक इहाता किया हुआ है अल्लाह ताला ने अपने इल्म के साथ। हर शय का एक ज़र्रा भी अल्लाह ताला के इल्म से बाहर नहीं है, ये अल्लाह की ख़ास सिफ़त आयतुल कुर्सी के अंदर ये बयान की गई है, या अलम मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। इसलिए तो कुरान मजीद के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेज़रिया वही जो आने वाली बातों के बारे में मुतलय किया जाता था, इतला दी जाती थी वही के ज़रिए, वो आपके नबुव्वत की दलील बन जाती हैं कि ये वाकईतन अल्लाह के सच्चे नबी हैं, क्योंकि इन पर वही आती है, वही के ज़रिए इनको बताया जाता है। ये आपके आलिमुल गैब होने की दलील नहीं बनती, ये आपके नबी होने की दलील बनती है, क्योंकि नबी पर वही आया करती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म दिया गया है ना बेज़रिया वही, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लफ्ज़ नहीं बोला जाएगा कि आलिमुल गैब व शहादा, क्योंकि ये अल्लाह ताला के साथ ख़ास है, ये आलिमुल गैब व शहादा। ईसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से कहा था अंत अल्लामुल गुयूब, क़यामत के दिन अल्लाह कहे ईसा अलैहि सलाम कहेंगे अल्लाह ताला से कि तू ही तमाम गैबों को जानने वाला है। फरिश्तों के बारे में भी ये लफ्ज़ नहीं बोला जाता आलिमुल गैब व शहादा, फरिश्तों ने खुद ये बात कही थी अल्लाह ताला से ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कि हमारे लिए कोई इल्म नहीं है मगर जो तूने हमें सिखाया है, जो तूने हमें बताया है, जिसकी तूने हमें तालीम दी है वही है, इससे ज़ायद हमारे पास कोई इल्म नहीं है। तो इल्म जो है ना, ये अल्लाह का इल्म और मखलूक का इल्म, ये फ़र्क है, बेमिसल है अल्लाह का इल्म, बेमिसल। तो इसी तरह अल्लाह ताला का सुनना ये भी बेमिसल है। अल्लाह ताला, उस दिन मैंने एक आयत पढ़ी थी सूरत राद की, सवा मिनकुम मन असर्रल कौल व मन जहरा बिही, यानी तुम में से कोई सिर्री बात कहे, सिर्री आहिस्ता, या कोई जहरन बात कहे, ऊंची कहे, अल्लाह के लिए बराबर है। कोई रात की तारीकी के अंदर हो या दिन की रोशनी के अंदर हो, अल्लाह के लिए बराबर है, अल्लाह के लिए बराबर है। मखलूक के लिए ऐसे नहीं होता, सिर्री बात जो है ना वो नहीं सुनी जाती, सिर्री बात नहीं सुनी जाती, ऊंची बात हो तो वो सुनी जाती है। ये अल्लाह का ये खासा है, और है अल्लाह अर्श पर, अर्श पर होने के बावजूद सिर्री से सिर्री आवाज़ वो सुन लेता है अल्लाह ताला। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या ये आप जानते ही हैं, लक़द समी अल्लाह कौल अल्लाती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्माउ तहावुरकुमा। इसमें वो सिर्री जो है ना अल्लाह ताला से अर्ज़ कर रही थी खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक तरफ बैठ गई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पास ही थे और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी पास थी, लेकिन उनको अच्छी तरह समझ नहीं लग रही थी कि ये क्या कह रही है, अल्लाह से क्या अर्ज़ कर रही है। तो अल्लाह ताला ने अर्श पर उसकी आवाज़ सुन ली थी, आयत नाज़िल फरमा दी थी यही, लक़द समी अल्लाह कौल अल्लाती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। देखो उस औरत की बात भी अल्लाह ने सुनी है, हालांकि वो आहिस्ता आहिस्ता कह रही, बता रही थी, अर्ज़ कर रही थी अल्लाह ताला से, और नबी है सल्लम जो पहले उसको जवाब दे रहे थे और नबी है सल्लम से जो तकरार कर रही थी वो भी अल्लाह ताला ने सुन ली है, वल्लाहु यस्मा तहावुरकुमा, और इसी के मुताबिक अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमा दी। अल्लाजी
وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ كُلَّهَا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اس اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ الذی وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ، کہ تعریف، سب تعریف، حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کا سمع وہ تمام آوازوں کو وسیع ہے، یعنی کوئی بھی آواز اس کے سمع سے باہر نہیں ہے، ہر آواز کو سنتا ہے۔ ایک حدیث ہے مشہور، چیونٹی کے قدموں کی آواز سنتا ہے، جو اندھیری رات میں چکنے پتھر پر چل رہی ہوتی ہے نا، اس کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ اب دیکھو یہ صاف پتہ چل رہا ہے، لئیس السمع کالسمع، اللہ کا سمع وہ مخلوق کے سمع کی طرح نہیں ہے، وہ اس کے شیان شان ہے، اس کے شیان شان ہے، اس طرح اس کا علم وہ اس کے شیان شان ہے، مخلوق کے علم کی طرح نہیں ہے۔ مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلہ میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر کا ایک پانی قطرہ ہوتا ہے، سمندر کا ایک قطرہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کے اندر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے جو ہے نا، ایک تو لفظ اللہ کا ذکر ہے، اللہ، لفظ اللہ جو ہے نا یہ واضح سری توحید الوحیت پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہا اللہ لا الہ الا ہو، دیکھو نا اللہ لا الہ الا ہو، یہ لفظ اللہ کی دلالت ہی اس پر، لا الہ الا ہو۔ آگے اسماء حسنہ میں سے دو ذکر کیے ہیں، الحی القیوم، یہ اسماء حسنہ میں سے ہیں۔ اب الحی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ صفت حیات کو متضمن ہے، الحی بالحیات، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الحیات۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حیات صفت تو مخلوق کی بھی ہے، جو زندہ مخلوق ہے، مثلا حیوانات ہیں وہ بھی حی ہیں، انسان حی ہے، جنات حی ہیں، فرشتے حی ہیں، یہ ہر جو زمین پر چلنے پھرنے والا ہے نا یہ حی ہے، تو پھر اس کا جواب یہی بنتا ہے لیسا کمثلہ شیء، الحیات لیست کالحیات، یعنی حیات اللہ لیست کحیات الخلق، یعنی اللہ کی حیات وہ مخلوق کی حیات کی مثل نہیں ہے، کیونکہ وہی قاعدہ ادھر لگے گا، چونکہ اللہ کی جو صفت ہے نا وہ کمالیہ ہے، کمالی صفت، تو یہاں حیات سے مراد جانا کمال حیات ہے، کمال حیات، انسان کی یا مخلوق کی جو حیات ہے نا اس کے اندر کمال نہیں ہے، اور کمال ہونے کا مطلب کیا ہے، اسی آیت سے پتہ چل جاتا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی کمال حیات جسے موت لاحق نہیں ہوتی، نیند لاحق نہیں ہوتی، اونگ لاحق نہیں ہوتی، یہ اونگ جو ہے نا یہ ہلکی سی ہوتی ہے، ابتدائی مرحلہ نیند کا، اونگ کے بعد جو ہے نا نیند کا مرحلہ آتا ہے، نیند، نیند کبھی ہوتی ہے، نوم کبھی ہوتی ہے، سینا جو ہے نا یہ نعاس جسے ہم کہتے ہیں یہ ہلکی ہوتی ہے، تو جب اونگ اور نیند کی نفی کر دی گئی ہے نا تو موت کی نفی بل اولا ہی نکل آئے گی، اسے کیا سے، اولویت کے ساتھ، تو یعنی جب ہلکی سی نیند وہ لاحق نہیں ہوتی تو نوم وہ تو بل اولا ہی لاحق نہیں ہوگی، اس کا تو ذکر آ گیا، جب نوم لاحق نہیں ہوتی اسے تو موت تو بل اولا ہی لاحق نہیں ہوگی، اس سے وہ پاک اور مقدس ذات ہے، اس لیے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، انت الحی، اے اللہ تو الحی ہے،
الذي لا يموت, وہ الحی ہے جسے موت نہیں آتی یا موت نہیں آئے گی. موت سے اللہ پاک ہے, منزہ ہے, کیونکہ اس کی حیات با کمال ہے. با کمال حیات والے کو موت لاحق نہیں ہوتی, کیونکہ موت کا لاحق ہونا جو ہے نا یہ اللہ کے حق میں نقص کی صفت ہوگی. نیند کا آ جانا نقص کی صفت ہوگی, اونگ کا آ جانا یہ نقص کی صفت ہوگی, کیونکہ یہ مستلزم ہوتی ہیں, لازم ہوتی ہیں غفلت کو, کہ جب بندہ سوتا ہے غافل ہو جاتا ہے, بے خبر ہو جاتا ہے, اور جب اونگ آ جاتی ہے پھر بھی بے خبر ہو جاتا ہے, غفلت ہو جاتی ہے, اور جب موت آ جاتی ہے تو پھر بھی غفلت ہو جاتی ہے. پھر وہ نہ دیکھتا ہے, نہ سنتا ہے, نہ بولتا ہے. اگر اس کو کوئی شے پکڑائیں تو پکڑ نہیں سکتا, کوئی تعامن لیں اس سے وہ تعامن کر نہیں سکتا. اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا سوئے ہوئے آدمی کو کہ میں کس کمرے کے اندر ہوں, صحن میں ہوں یا کمرے میں ہوں یا چھت پر ہوں, کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالی غفلت سے پاک اور منزہ ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ تعالی تمہارے عملوں سے ہرگز غافل نہیں ہے, قطعاً غافل نہیں ہے. ساری کائنات کے اعمال, ان سے اللہ غافل نہیں ہے, اللہ باخبر ہے, دیکھنے والا ہے, سننے والا ہے, جاننے والا ہے. کوئی عمل کرتا ہے, کوئی نیکی کا عمل ہے یا بدی کا عمل ہے, اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں ہے, باخبر ہے. اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, یہ اللہ کی خاص صفت ہے. قرآن میں بہت ساری آیات کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ اللہ غافل نہیں ہے, کبھی بھی غافل نہیں ہے, ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کسی شے سے کبھی غافل نہیں ہوا. تو یہ غفلت چونکہ یہ ایک نقص والی صفت ہے, بھول جانا اور یہ ذہول ہو جانا اور یہ توجہ نہ رہنا, نہ جاننا, جہل مثلاً یا غافل ہو جانا, یہ تمام اللہ کے حق میں نقص والی صفات ہیں. ان صفات سے اللہ جانا سبحان ہے, سبحان پاک اور منزہ ہے. تو کمال اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ اس اعتبار سے جو ہے نا یہ توحید سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء سے, کہ اسماء جن صفات پر دلالت کرتے ہیں وہ ہیں صفات کمالیہ. تو صفات کمالیہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں, تو اس اعتبار سے اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنی صفات کے اندر. تو اب دیکھیں نیند جو ہے نا یہ آ جاتی ہے, انبیاء کو بھی نیند آ جاتی تھی, سو جاتے تھے, اور صحابہ کرام کو بھی نیند آ جاتی تھی, اور اولیاء جو غیر صحابہ ہیں اولیاء ان کو بھی نیند آ جاتی تھی, آ جاتی ہے نیند. تو ایک حدیث واضح آئی ہے مسلم شریف کے اندر, ان اللہ لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام, بے شک اللہ سوتا نہیں ہے اور سونا جو ہے نا وہ اس کی شان کے لائق بھی نہیں ہے, یعنی وہ قابل للنوم نہیں ہے. قابل للنوم یہ اصطلاح کتابوں کے اندر استعمال ہوتی ہے, قابل للشے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, ایک یہ ہے کہ وہ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے, یعنی اختیاری صفت ہے اس کے اختیار میں, اگر چاہے تو وہ کر لے لیکن کرتا نہیں, ایک یہ ہے. اس کے لیے جو ہے نا قابل یہ لے شے کہہ سکتے ہیں, قابل لے شے. ایک ہے کہ وہ اس کے ساتھ متصف کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ تو نیند یہ اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ
इस सिफत के साथ मुत्तसिफ हो ही मुत्तसिफ होना उसकी शान के लायक है ही नहीं। ये चूंकि गफलत को मुतज़म्मिन होती है और अल्लाह ताला इसे पाक और मुनज़्ज़ह है। वला यम बगी लहू अय्यनाम, ये जामे सगीर के अंदर भी हदीस लिखी है, सयुती की है, इसकी शरह है फैज़ल कदीर मनावी की, मोहम्मद अब्दुर्रऊफ मनावी। इस शरह के अंदर जो है ना, इसकी शरह के अंदर एक हदीस लिखी है, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से एक दफ़ा सवाल किया था, ये पूछा था कि ऐ अल्लाह, तू सोता नहीं है, तुझे नींद नहीं आती? अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, मुझे नींद, मैं नहीं सोता, मेरी शान के लायक नहीं है कि मैं सोऊं। फिर समझाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने हाथ में दो शीशे की बोतलें पकड़ लें, आप शीशियां पकड़ लें शीशे की, और रात सोना नहीं है, खड़े रहना है, एक दाएं हाथ में और एक बाएं हाथ में शीशियां पकड़ लें तो सोना नहीं है आपने। मूसा अलैहिस्सलाम ने शीशियां पकड़ लीं, खड़े रहे कुछ देर तक, खड़े रहे आखिर उनको ऊँग आने लगी। ऊँग आई है तो उनके हाथ से वो शीशियां जो है ना दोनों गिर गई और टूट गई हैं। उस वक्त वो चुकन्ने हुए हैं। अल्लाह ताला ने फिर समझाया कि ऐ मूसा, अगर मुझे नींद आ जाए ना तो ये आसमान और ज़मीन का निज़ाम दरम बरम हो जाए, क्योंकि ये निज़ाम कायनात जो है ना, आसमान और ज़मीन, इनको अल्लाह ताला ने कायम रखा है, कायम रखने वाला अल्लाह है। तो इसलिए अल हय्यो के साथ जो है ना अल क़य्यूम आया है, अल्लाह ताला का नाम अल क़य्यूम, अल क़य्यूमियत जो है सिफत है ना अल्लाह ताला के साथ ख़ास है। ये अल हयात कामिला यानी अल हय बिल हयात अल कामिल, ये भी अल्लाह ताला के साथ ख़ास है। अगरचे अल हय का इतलाक मखलूक पर भी हो जाता है, युखरजुल हय्या मिनल मय्यित हय, लेकिन वहाँ चूँकि हयात कामिला मुराद नहीं है, वो आर्जी है, अल्लाह ताला की अता करता है और एक वक्त तक है, फानी, इसलिए इस हयात को कह सकते हैं कि ये फ़ानी है, यानी ये ख़त्म होने वाली है, ये दुनियावी ज़िंदगी हर एक की ख़त्म हो जाती है, हयात दुनियाविया ये मौत के साथ ख़त्म हो जाती है, ये आर्जी है, इसको फना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, तो ये अल्लाह ताला के लिए बका ही बका है, क्योंकि उसकी हयात कामिला है, कामिल हयात वाला है। तो अल क़य्यूम इसका माना होता है वो ज़ात जो कायम दायम हो, दायम कायम दायम हो, और अपनी यानी आसमान और ज़मीन और सारी मखलूक को भी संभालने वाला हो। ये अल्लाह के इज़्ज़न के साथ जो है ना आसमान और ज़मीन कायम हैं, लेकिन इनके अंदर जो क़याम है ना आसमान और ज़मीन का क़याम, ये दायमी नहीं है, ये भी जब क़यामत बरपा होगी ना, इनके अंदर भी ये तगय्युर पैदा हो जाएगा। इन्शिक़ाक़ इन्फ़ितार इज़ समा उन शक्क़त इज़ समा उन फ़तरत, ये काफ़ी आयात है कुरान मजीद के अंदर। ये फ़लासफ़ा जो है ना, पुराने फ़लासफ़ा मुतक़द्दिमा जो अपने आप को अक्लानियीन या उक़ला वगैरह कहते थे, उनका ये नज़रिया था कि आसमान और ज़मीन ये हमेशा रहने वाले हैं, दवाम है इनके लिए हमेशा, अज़ली अबदी समझते थे इनको। कुरान ने इनका रद्द कर दिया है कि इनके लिए बका दायमी नहीं है, हमेशा नहीं रहेंगे, ये तो फट जाएंगे, क़यामत आएगी तो फट जाएंगे। फ़लसफ़े की किताब मशहूर है, एक मदारस में पढ़ाई जाती है, हिदायतुल हिकमत, उसमें एक अनुमान कायम किया है उन्होंने फसल इसमें कि इन्नस समाअ ला तल्ता ला
تخرق السماء ولا تلتئم، یعنی آسمان جو ہے نا نہ ہی یہ پھٹ سکتا ہے کہ پھٹنے کے بعد اس کو پھر جڑنا ہو کے جڑ جائے، لا یقبل، سچ لفظ ہے، السماء لا تقبل الخرق والالتیام، یہ عنوان ہے اس کتاب کے اندر کہ آسمان جو ہے نا یہ خرق اور التیام کے قابل نہیں ہے، یعنی اس کو یہ قبول ہی نہیں کرتا، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی وقت آسمان پھٹ جائے، یہ ہمیشہ اسی طرح ہی رہے گا۔ یہ قدماء فلاسفہ وہ ہیں جو اس جہان کو قدیم کہتے تھے، یہ قدیم ہے اور غیر فانی ہے، تو ان کا رد کیا ہے قرآن مجید نے بہت ساری آیتوں کے اندر کہ ان کا نظریہ غلط ہے، یہ ان فلسفیوں کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو محفوظ رکھتا ہے، ایک وقت تک ہے یہ محفوظ رکھنا، یہ اس کے اذن کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ یہ حضرت عمر کا غالباً قول ہے، الذی قامت السماوات والارض باذنہ، یعنی وہ اللہ کہ جس کے اذن کے ساتھ آسمان اور آسمان اور زمین قائم ہیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ زمین جو ہے نا فضا کے اندر کھڑی ہے، اتنی وزنی یہ فضا کے اندر کھڑی ہے، اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، اس کے جس طرف بھی آپ چلے جائیں نا اسی طرح ہی ہے، فضا خلا خالی جگہ آسمان اور زمین کا درمیان ہے، چاہے جدھر بھی آپ چلے جائیں، یہ امریکہ ہمارے نیچے ہے نا تو وہ بھی رہ رہے ہیں، ان کے اوپر یہ آسمان ہے، آسمان ہر طرف، یہ سمندر اور زمین یہ ملے ہوئے ہیں۔ سمندر جو ہے نا یہ زیادہ حصہ ہے اور خشکی والا کم ہے، خشکی والے حصے میں یہ آبادیاں ہیں، اور بہت سارا ایسا حصہ بھی ہے زمین کا جہاں آبادی نہیں ہے، قطب جنوبی یہ اس میں صرف برفانی علاقہ ہے، آبادی نہیں وہاں ہو سکتی۔ تو یہ زمین جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا کرہ ہے، کرہ ارض یہ کرہ بھی ہے، یہ اتنی بڑی زمین یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے فضا کے اندر ہی کھڑی ہے، نیچے کوئی ستون نہیں ہے، یہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے، یہ ہے القیوم، القیوم اس اعتبار سے القیومیت صفت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یہ کہ خود بھی قائم ہے اور دائمی قائم ہے، ازلی ابدی طور پہ وہ قائم ذات ہے، اور ایک وقت تک اپنی مخلوق کو بھی وہ قائم رکھنے والا ہے، مخلوق کے قیام کے لیے دوام نہیں ہے، اللہ کے قیام کے لیے دوام ہے، اس اعتبار سے یہ اللہ کی خاص صفت بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیوم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بولنا جائز نہیں ہے، ہاں قیم کہہ سکتے ہیں کسی کو، قیم کا معنی ہوتا ہے نگران، نگران، تو اللہ تعالیٰ قیم بھی ہے، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن فلک الحمد، لیکن اللہ تعالیٰ کا قیم ہونا مخلوق کے قیم ہونے کے مشابہ یا اس کی مثل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کا نگران ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے رقیب، الرقیب، علی کل شیء رقیب، تو الرقیب یعنی ساری کائنات کی نگرانی کرنے والا، ساری کائنات کی نگہبانی کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، یہ صفت کسی اور کے اندر نہیں ہے، اگرچہ وقتی طور پہ کوئی پہرا دینے والا ہوتا ہے اس پر یہ لفظ بول دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگرانی نگہبانی چونکہ محیط ہے، اس کے اندر احاطہ ہے، کہ آسمان کی بھی نگرانی کرتا ہے، ساتوں آسمان اس کے اذن کے ساتھ کھڑے ہیں، آسمانوں کے نیچے بھی کوئی ستون نہیں ہے، اور ھذا خلق اللہ فأرونی ماذا خلق الذین من دونہ، دیکھیں نا کہ یہ میری تخلیق ہے، اللہ نے چیلنج کیا کہ یہ ہے میری تخلیق، تو دکھائیں مجھے ان لوگوں نے کیا بنایا ہے، کیا پیدا کیا ہے جو اللہ کے علاوہ ہے، یعنی انہوں نے
कोई भी शय पैदा नहीं की। अल्लाह ने तो चैलेंज किया, फल यखलुकु हब्बतन और शईरतन, बुखारी के अंदर वैद है कि ये लोग मुझे एक दाना ही बना के दिखा दें, एक जौ का दाना बना के दिखा दें मुझे, आजिज हैं। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी, यानी ये मखलूक आसमान और ज़मीन, ये बहुत बड़ी दलीलें हैं दो अल्लाह ताला की, यानी तौहीद की। ऊपर देखें आसमान है, नीचे देखें हम ज़मीन है, इनसे हम बाहर जा ही नहीं सकते। अल्लाह ताला की दलीलों के अंदर रह के बंदा फिर कह दे कि कोई दलील नहीं है, कोई इनकार कर दे, ये ऐसे शख्स के लिए फिर बड़ा सख्त अजाब है अल्लाह ताला के यहाँ। अब बंदा जो है ना, ये खुद आप बहुत बड़ी दलील है अल्लाह ताला की तौहीद की। इंसान खुद आप बहुत बड़ी दलील है अल्लाह की तौहीद की। वो जो आयत उस दिन पढ़ी थी ना, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, ये अनफुस जो है ना, अल्लाह ने इंसानों के नफस, ये इनको बतौर दलील जो है ना, दलीलें ये जिक्र किया अपनी तौहीद की दलीलें। इंसान अपने नफ्स के अंदर अगर गौर फिक्र कर लेना तो बहुत सारी दलीलें हैं इसके अंदर, इसके सांस का निज़ाम, इसके हजम का निज़ाम, इसके ये खून का निज़ाम, और इसके सारे बदन जितने अनजिमा हैं इसके अंदर, ये एक एक जो है ना, ये अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला की तौहीद की दलील है। और 360 जोड़ हैं इसके बदन के अंदर, ये अल्लाह ताला की तौहीद की दलीलें हैं ये। तो एक बंदा जो मानता नहीं है, हालांकि उसका नफस जो है ना, वो खुद आप दलील है इस पर, तो गोया कि वो सरी बदी ही मुनकर है वो। तो अल्लाह वहदहु ला शरीक अपने असमाओ सिफात के ज़रिए जो है ना पहचाना जाता है, इसकी उसकी मार्फत होती है। जो अल्लाह ताला के असमाओ सिफात को समझ लेता है ना, तो इससे जो मार्फत हो जाती है, इससे फिर खशियत जो है ना वो लाजम आ जाती है। इसलिए समझने वालों के बारे में ही अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह ताला की खशियत जो है ना उसके बंदों में से वही इख्तियार करते हैं खशियत, जो अल उलमा हैं। अल उलमा से मुराद वो ही हैं जिन्होंने अल्लाह ताला को उसके अस्मा व सिफात के ज़रिए पहचान लिया है और उसकी तौहीद को कबूल किया है और उसकी मार्फत उन्होंने हासिल की है अस्मा व सिफात के ज़रिए। जितने भी अस्मा व सिफात हैं ना, हर इस्म और हर सिफत जान अल्लाह ताला के कमालात पर ही वो दलालत करती है। तो अल्लाह ताला के अस्मा जलाली भी हैं, जमाली भी हैं। जलाली मसलन ये अलमुन्तकिम या ज़ुल इंतकाम, ये या अलकहार, अलकाहिर, अलमुक्तदिर, अलमालिक, अलमलीक, इस तरह के नाम जाना, ये जलाली नाम हैं। जमाली नाम भी हैं, अलअफुव, अलगफूर, अलगफ़ार, अर्रहमान, अर्रहीम, ये जमाली असमा हैं अल्लाह वहदहु ला शरीक के। गज़बान मसलन अल्लाह की सिफत जो गज़ब है, ये जलाली सिफत है अल्लाह ताला की सिफात। इसलिए सिफात की भी दो किस्में करते हैं अहले इल्म, सिफात इकराम ये जमाली को कहते हैं, जमाली सिफात को, और सिफात जलाल ये जलाली सिफात को कहते हैं। तो अल्लाह ताला के अंदर ये दोनों सिफतें हैं, जहाँ अल्लाह ताला अर्रहमान है वहाँ अल्लाह ताला गज़बान भी है। गज़बान तो ये गज़बान किन के लिए है? मुजरमीन के लिए। मुजरमीन पर अल्लाह गज़बान है, और रहमान किन के लिए है? जो अल्लाह ताला के बंदे हैं, मोमिनीन, मुत्तकीन, सालेहीन। तो ये अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला के अस्मा के ज़रिए जो है ना, अल्लाह ताला की जो सिफात जो पहचानी जाती हैं, उन सिफात में गौर फिक्र करने से जो है ना, अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत भी पैदा होती है और अल्लाह ताला का डर और खौफ भी जो है ना पैदा होता है, उसकी रहमत की उम्मीद भी इन्हीं के ज़रिए होती है। ये खशियत जो है ना, ये ख़ास है, ख़ास इसलिए खौफ आम है। आम खौफ जो है ना,
ये आम बंदे को भी हो जाता है, आम खौफ जो मार्फत ना भी रखता हो। तो ये खशियत उस वक्त होती है जिस वक्त उसकी मार्फत भी हो जाती है, साथ उसके अस्मा व सिफात के ज़रिए पहचान लिया जाता है उसकी यानी हस्ती को। तो ये अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अपने अस्मा का बहुत ज़िक्र किया है। ये अल हय जो मैं अभी बता रहा था ना, ये अल हयात अल्लाह ताला की जो है ना वो बाकमाल है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने उन लोगों का रद्द किया है जो अल्लाह ताला के अलावा दूसरों को पुकारते हैं गैबी तौर पे। अब ज़ाहर है कि जो किसी को गैबी तौर पे पुकार रहा हो ना कि वो पास मौजूद नहीं है, मुश्किलात हल कराने के लिए वो पास मौजूद नहीं है, वो दूर है, दूर दुनिया में मौजूद ही नहीं है। मसलन कब्र के अंदर दफन कर दिया गया है और दफन किए काफ़ी मुद्दत गुजर गई है मिसाल के तौर पे, या मुद्दत नहीं गुजरी, दफन कर दिया गया है दूर, तो यहाँ से दूर से उसको पुकारना, इस पुकारने वाले के लिए ये लाजम है। जो पुकारता है ना वो किस लिए पुकारता है, उसका एक तो ये एतकाद होता है, एतकाद कि ये मेरी पुकार को सुनता है, मेरी पुकार को सुनता है, मुझे जानता है और मेरी मदद करने पर वो कादर है, मेरी मुश्किल हल करने पर वो कादर है, या वो मुझे देख रहा है, मेरी सुन रहा है, मेरी मुश्किल हल करने पर कादर है। ये उसको एतकाद बनाना पड़ता है। अगर ये एतकाद ना हो तो उसको पुकारने का फ़ायदा कोई नहीं। अब अल्लाह ताला के बारे में हमारा यकीन है उसके अस्मा व सिफात के ज़रिए कि अल्लाह हमें जानता है, खूब जानता है, हर शय को जानता है, अल्लाह हर आवाज़ को सुनता है, हर आवाज़ को सुनता है, और अल्लाह कमाल कुदरत रखने वाला है मदद करने की, मदद करने की। अल्लाह देखता है, सुनता है, जानता है, मदद करने पर कमाल कुदरत है। ये आम मुसलमान का अकीदा होता है अल्लाह ताला के बारे में। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं ना, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो अल्लाह को मानते ही नहीं हैं बिल्कुल, अल्लाह से वो ना मांगते हैं ना मानते हैं, और एक किस्म के वो हैं जो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह में ये सिफात मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो दूसरों के अंदर भी ये सिफात समझते हैं कि वो भी सुन लेते हैं, देखते हैं, जानते हैं, कुदरत रखते हैं तकलीफ दूर करने की। उनके बारे में जो अकीदा रखते हैं ना वो, ये अल्लाह ताला ने इन लोगों का रद्द करते हुए फरमाया है कुरान मजीद के अंदर, वमन अज़ल्लो मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाहि मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़यामा वहुम अन दुआएहिम गाफिलून। पहले तो अल्लाह ताला ने इनके बारे में फरमाया है कि जो इस तरह ये एतकाद रख के उनको पुकारते हैं, ये इनसे बड़े गुमराह कोई नहीं है। वमन अज़ल्लो, ये इस्तेफ़हाम यानी इनकारी है, यानी इनसे बड़े गुमराह कोई नहीं है। यदऊ जो पुकारते हैं उनको जो उनकी पुकार को कयामत तक भी कबूल नहीं कर सकते, इनकी पुकार का वो जवाब नहीं दे सकते, कबूल नहीं कर सकते। यहाँ अल्लाह ताला ने कुदरत की नफ़ी कर दी, के अंदर कुदरत नहीं है इनकी मुसीबत को दूर करने की। वहुम अन दुआएहिम गाफिलून, इसमें अल्लाह ताला ने उनकी उनके यानी समा की नफ़ी कर दी है और इल्म की नफ़ी कर दी है। गाफिल जो है ना, यानी सुनने से भी वो गाफिल हैं और जानने से भी वो गाफिल हैं, यानी उनको तो पता भी नहीं है कि ये जो हमें पुकार रहे हैं ना कि कौन है, या उन तक आवाज़ भी नहीं पहुंच रही, उनको कुछ बिल्कुल ही पता नहीं है कि हमें कोई पुकार रहा है या नहीं पुकार रहा, वो गाफिल हैं।
اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ کبھی بھی غافل نہیں ہوا تمہارے کسی بھی عمل سے، کوئی اس کو جس وقت بھی پکارے نا، رات پکارے جب سب لوگ سوئے ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی اس کے دروازہ ہر وقت کھلا ہے، ہر وقت سنتا ہے، بلکہ رات جب لوگ عام سوئے ہوتے ہیں نا، وہ تو اعلان کر رہا ہوتا ہے مَن يَسْتَشْفِينِي أَشْفِيَهُ مَن يَسْأَلُنِي أُوتِيَهُ، کہ کون ہے جو مجھ سے شفا مانگے میں اس کو شفا دے دوں، کون ہے مَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں، وہ خود آپ اس وقت کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ عام لوگ سوئے ہوتے ہیں، بزرگ بھی سوئے ہوتے ہیں اکثر۔ تو یہ شان صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ہر وقت وہ سنتا ہے، سری بھی سنتا ہے جہری بھی سنتا ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ ان کو پکارتے ہیں نا، جو فوت ہو جائے اس کو وہ پکارنا شروع ہو جاتے ہیں، جب وہ دنیا کے اندر زندہ تھے، جن کو پکارا جاتا ہے ان کی وفات کے بعد، دفن کرنے کے بعد، جب وہ دنیا کے اندر زندہ تھے اس وقت تو ان کے اندر یہ صفت نہیں تھی کہ وہ دور سے سنتے ہوں۔ کوئی اولیاء بھی ہونا مثلا، ان کو بھی موبائل کی ضرورت ہوتی ہے، موبائل کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی جاتی ہے، عام لوگ موبائل کے ذریعے جو ہے نا بات کر لیتے ہیں، دور بھی ہونا تو وہ سنائی جاتی ہے، یہ ہے آلے کے ذریعے، یہ ما تحت الاسباب میں آ جاتا ہے، یہ شرک نہیں ہے، لیکن جو کسی بھی ذریعے وسیلے سبب کے بغیر، ظاہری عادی امور کے بغیر یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کسی کے اندر کہ وہ سب کو سنتا ہے، سب کو جانتا ہے، ہر شے کو وہ دیکھتا ہے ہر وقت، میرے حال سے وہ باخبر ہے ہر وقت، اسے معلوم ہے کہ مجھے کون سی مصیبت پہنچی ہے، ہر وقت وہ میرے حال سے مطلع ہے۔ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے نا، یہ خاص صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان صفات کے اندر اگر کوئی اللہ کا شریک کرے نا، تو یہ پھر اس کو کہتے ہیں یعنی شرک فی صفات، جس طرح توحید فی صفات ہے نا، اللہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، جس طرح یہ قسمیں بنے گی نا توحید کی، توحید فی ذات، توحید فی صفات، توحید فی الافعال، توحید فی الامر، یعنی فی اللہ تعالیٰ کے حکم میں اب وحدہ لا شریک ہونا، توحید فی استحقاق العبادہ، اس طرح شرک کی بھی اتنی قسمیں بن جائیں گی، شرک فی ذات، شرک فی صفات، شرک فی الافعال، شرک فی الحکم، اور اسی طرح شرک فی استحقاق العبادہ، یہ عبادت میں شریک ٹھہرانا، تصرف میں شریک کرنا اللہ تعالیٰ کو، تصرف میں، یہ تصرف کی صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، خاص ہے یہ، وہ وہی جو پہلے میں نے بتایا تھا، کن کہہ کے جیسے چاہے کسی چیز کے اندر تصرف کر دے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر تصرف کیا تھا نا، کل مثال سنی تھی آپ نے، یہ ہے تصرف۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، موسیٰ اور ہارون کو، یہ ڈر رہے تھے کہ فرعون جانا ہمیں قتل کر دے گا، خوف کھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلے جاؤ، ڈرنا نہیں ہے، مجھے یاد کرنا ہے، ذکر کرتے رہنا میرا، اور ساتھ یہ اتنا کہہ دیا تھا قول لہ قولا لینا، کہ اس کو نرم بات کرنی ہے، چاہے جتنا بھی وہ شدت سے پیش آئے گا تو تم نے نرم ہی بات کرنی ہے، نرمی ہو سکتا ہے وہ واضح نصیحت قبول کر لے۔ بہرحال چلے گئے، جانے سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو اس طرح تیار کیا تھا، کیونکہ فرعون کے سامنے ایک دلیل پیش کرنی تھی اپنے سچے ہونے کی، کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں یہ، اللہ نے بھیجا ہے ان کو، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح تیار کیا کہ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، کہنے لگے ہیا عصایا اتوقع علیہا واہش بہا لغنمی ولی فیہا مآرب اخرى، تو آگے میری لاٹھی ہے یہ،
तो अल्लाह ताला ने कहा अलकहा या मूसा, ऐ मूसा इस लाठी को ज़मीन पर जो है ना फेंक दे, आप डाल दें। उन्होंने वो लाठी डाल दी। मूसा अलैहिस्सलाम को कोई पता नहीं था क्या क्या बनने वाला है। जब डाली ही थी अभी उसी वक्त ही जो है ना वो एक बड़ा अजदहा सांप बन गया, बहुत बड़ा सांप, चलने फिरने वाला। जिस तरह इंसान सांप को अचानक देखे तो खौफ खा जाता है, तो मूसा अलैहिस्सलाम भी खौफ खा गए थे उस वक्त, पीछे भागने लगे थे डर के कि डस ना ले। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मूसा खुज़हा, इस को पकड़ लें, पकड़ लें, ला तखफ, खौफ ना खाएं, इसको पकड़ लें। फिर भी एक फितरी तौर पे जो है ना पकड़ने के वक्त भी तो होता है ना खौफ डर, कि ज़ाहर है सांप नज़र आ रहा है कि डस लेगा ये। अल्लाह ताला ने तसल्ली दे के कहा कि सन ईदोहा सीरत हल उला, कि हम इसको आपके हाथ में पहली हालत की तरफ ही लौटा देंगे, असा ही बना देंगे, लाठी बन जाएगा उसी वक्त ही, आपके हाथ में आने के साथ ही लाठी बन जाएगा। इससे मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ लिया, वो उसी तरह ही लाठी बन गई। फिर दूसरा हुक्म दिया कि अदखिल यदका फी जेबिका, अपना हाथ अपने गिरेबान में दाखिल करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने दाखिल कर लिया। जब उसको निकाला तो वह चमक रहा था, बैज़ा सफ़ेद था, चमकता हुआ। अल्लाह ताला ने मिन गैर सू इन आयतन उखरा फरमाया है, यानी ये हाथ जो चमकता है ना ये किसी बीमारी की वजह से नहीं है, ये मर्ज़ की वजह से नहीं है, ये बर्स की बीमारी की वजह, जिस तरह जिल्द सफ़ेद हो जाती है ऐसे नहीं है। ये आयतन उखरा, ये एक दूसरी निशानी और निशानी है ये जो फिरौन को दिखानी थी। इसमें यहूदियों का रद है वैसे, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम का ये जो हाथ चमका था ना ये बर्स की वजह से चमका था। अब भी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, अब भी बाइबल में लिखा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने उनका रद्द किया इस जगह, मिन गैर सू इन जो लफ्ज़ बोला है यहूदियों का रद्द है ये, कि ये किसी मर्ज़ की वजह से नहीं था, किसी बीमारी की वजह से नहीं था, ये एजाज था, मौजज़ा, अल्लाह के इज़्ज़न से ये हुआ है सब कुछ। अब यही निशानियां फिरौन को दिखानी थी। अल्लाह ताला ने जब उनको भेजा, फिरौन को तबलीग की, वो गर्म होता गया, गुस्से में आता गया, आखिर कहने लगा फाते बेहा इन कौन था मैंने सादिकीन, जो तू निशानी कहता है ना वो फिर ले आ, दिखा मुझे कोई निशानी अगर तू सच्चा है। उस वक्त फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा जब फेंका ना ज़मीन पर, वो जिस तरह पहली दफ़ा सांप बन गया ना उस वहाँ भी वो सांप बन गया, उधर भी फिरौन डर गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ नहीं डरे, खौफ उनका पहले ही अल्लाह ताला ने उनके दिल से निकाल दिया था। एक दफ़ा दिखा के ना कि मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन था कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, फिरौन अब डर गया, फिरौन डर गया। फिर हाथ जाना दाखिल किया उसके सामने, गिरेबान जान निकाला तो चमक रहा था, बजाय इसके कि वो ये कबूल कर लेता, क्योंकि पहले खुद कह रहा है कि अगर तू सच्चा है तो फिर दिखा कोई निशानी अपने नबी होने की। निशानी देख के कहने लगा ये जो है ना ये तो जादूगर है, जादूगर है। वाकई सारा कुरान में कई सूरतों के अंदर है ही है। अब ये देखें ये असा जो है ना लाठी, ये लकड़ी है, इस लकड़ी के अंदर तसर्रुफ जो किया है ना कि उसको सांप बना दिया, ये अल्लाह का काम था, अल्लाह के इज़्ज़ने कौनी के साथ ये ऐसे हुआ है। और फिर उस सांप को दोबारा लाठी बना दिया, ये भी तसर्रुफ है, तो ये भी अल्लाह के इज़्ज़न के साथ हुआ है। इससे ये निकलता है कि मोजज़ा जो होता है ना ये इख्तियारी नहीं है, जिसके हाथ पर मोजज़ा ज़ाहर होता है ना ये इख्तियारी नहीं होता, ये अल्लाह के इज़्ज़न के साथ होता है। अल्लाह का इज़्ज़न जारी सारी होता है फिर ये ज़ाहर होता है,
और ये मौजज़ा नबुव्वत की दलील बनता है, जिसके हाथ पर जहर होना उसके मुख्तार कुल होने पर या साहब तसर्रफ होने पर यह दलालत नहीं करता। यह अल्लाह ताला के साहब तसर्रफ होने पर दलील है कि अल्लाह साहब तसर्रफ है। अगर नहीं समझ आई तो इस तरह भी समझ सकते हैं, अगर ये लाठी, लकड़ी की जो लाठी थी, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इख्तियार में होती कि वो खुद इसको सांप बना सकते, या उन्होंने खुद आप ही इसको सांप बनाया था, फिर डरने की ज़रूरत नहीं थी उनको, खौफ खाने की ज़रूरत नहीं थी, हालांकि वो खौफ खा गए थे, डर गए थे। ये अल्लाह के इज़्ने कौनी के साथ साहब तसर्रफ होना, ये अल्लाह ताला की ऐसी सिफत है, इस सिफत के अंदर उसका कोई शरीक नहीं है। ये अल्लाह ताला हैरत अंगेज़ अमर वाक़े करके दिखा देता है, जैसे चाहे, जिस तरह चाहे, जब चाहे। इतना बा कमाल है अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात, इसमें उसका कोई शरीक नहीं है। तो मैं पहले ये ज़िक्र कर रहा था कि जो गैबी तौर पे किसी को पुकारता है ना हज़ारों मील दूर से, तो वो अकीदा बनाना पड़ता है उसको कि ये मुझे जानता है और मेरी पुकार सुनता है, मुझे देखता है, मेरी मुश्किल को ये जानता है और मेरी मुश्किल को हल करने पर ये कुदरत रखता है। ये इस तरीके से जो है ना दूर ही से, यानी किसी सबब और ज़रिए को इस्तेमाल करने के बग़ैर ही किसी की मुश्किल हल कर देना, ये अल्लाह ताला की ख़ास सिफत है। क्योंकि इसमें कौन जो है ना अल्लाह की सिफत तकवीन उसका दे दखल होता है, सिफत तकवीन, और ये अल्लाह ताला के साथ ख़ास है। अल्लाह ताला के अलावा किसी की ये सिफत नहीं है कि वो कौन कह के जो है ना जो चाहे करे, ये अल्लाह ताला के साथ ख़ास है। कुन फयकून, कुछ लोग हैं दुनिया के अंदर मसलन गैर मुस्लिम किताबी, वो नबियों के मौजज़ात को देख कर उनको उन्होंने इलाह कहना शुरू कर दिया कि ये इलाह है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े मारूफ हैं, मशहूर हैं, बड़े मौजज़े दिखाते थे ईसा अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह के इज़्ज़त के साथ था। उन्होंने इन मौजज़ात की नस्बत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इस तरह की कि वो खुद मुख्तार थे, साहब तसर्रफ थे। इस तरह के वाक़यात देख के जो है ना उन्होंने उनको इलाह का दर्जा दे दिया कि वो इलाह हैं, पुकारना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने उनका रद्द किया है। मौजज़ा जो है ना, याद रखें, कुल्लिया है, ये नबुव्वत की दलील होती है। मौजज़ा नबुव्वत की दलील होती है, ये किसी के साहब तसर्रफ होने की दलील नहीं है। साहब तसर्रफ वो सिर्फ अल्लाह ताला है कि कुन फयकून, कुन कह के जो कर दे, कुन कह के तसर्रफ करना, ये अल्लाह ताला की ख़ास सिफत है, सिफत तकवीन। अल्लाह की सिफात जो है ना, ये कमाल ही कमाल है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ये तो जो सो जाते हैं सोने की हालत में, ये वसफ जो है ना उनके अंदर उस वक्त नहीं होता। ये किसी शय का ध्यान रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मसलन, कई बार पहरे की ज़रूरत पड़ती थी, पहरा दिलवाया करते थे, पहरेदार मुकर्रर करते थे। ये हदीस वाज़े है, मुस्लिम के अंदर भी है। जब आप हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए हैं ना, तो दुश्मनों का खौफ था, यहूदी भी थे ना वहाँ, डर था, खौफ था कि अचानक कोई हमला ना करते। आप एक रात बड़े परेशान थे, आपने कहा काश कोई बंदा जो है ना आज रात मेरा पहरा दे। अल्लाह ताला ने साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ये बात डाल दी कि आज रात आप मेरे नबी का पहरा देना है। अल्लाह ने इल्का कर दिया, असले से लेस होके जो है ना, आगे अंधेरा था रात का,
ام المومنین فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک آواز سنی ہے اندھیرے میں, اچانک وہ جب ظاہر ہوئے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس لیے آیا, کہنے لگے کہ بس میرا ارادہ بن گیا تھا کہ آج رات میں اللہ کے نبی کا پہرہ دوں گا. نبی علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے, وہ پہرے پر کھڑے رہے اور نبی علیہ السلام مطمئن ہو کے سو گئے. اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے. شروع شروع میں آپ یہ پہرہ دلوایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر آیت کریمہ نازل فرما دی تھی, یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. یہ تو علم جو ہے نا, علم محیط یا اللہ وحدہ لا شریک کی خاص صفت ہے, اس میں اس کا کوئی شریک نہیں. اس طرح ہر آواز کو سننا ہر وقت ہر لمحہ, یہ بھی اس کی خاص صفت ہے, اس میں اس کا کوئی شریک نہیں. اس طرح ہر شے کو دیکھنا بے یک وقت, اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور ہر شے پر کمال قدرت رکھنا ہر وقت, اس کی قدرت جاری ہے اور مستمر ہے ہر وقت ازلی ابدی. یہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کے اندر آتی ہیں یہ چیزیں, علم اور قدرت, حیات, یہ بصر اللہ کی صفات ذاتیہ میں ہیں. یہ تو اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے اپنی صفات کے اندر. اگرچہ اسم لفظ بول دیا جاتا ہے, یعنی لفظاً کوئی لفظ مخلوق پر بول دیا جاتا ہے, لیکن اس معنی میں نہیں ہوتا یہ جس معنی میں اللہ تعالیٰ پر جب بولا جاتا ہے. ابھی میں نے بتایا تھا الحیات, حیات کاملہ کے اعتبار سے اللہ کو الحی کہتے ہیں, حیات کاملہ کا لحاظ رکھتے ہو. جب مخلوق کو کہیں گے نا الحی, اس میں حیات کاملہ کا اعتبار نہیں ہوگا. اس کی حیات جو اس کے شایان شان ہے نا, جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر زندہ رکھنا ہے, اس اعتبار سے اس کو الحی کہہ دیتے ہیں. وہ تو انسان کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے, کوئی حیوان اس کو بھی کہہ سکتے ہیں الحی. یا مثلا کوئی حقیر سی مخلوق ہے, مکھی ہے مثلا یا چیونٹی ہے, وہ چلتی پھرتی ہے, تو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں الحی کہ یہ زندہ ہے یہ. تو لیکن ان میں حیات کاملہ نہیں ہے, یہ عارضی ہے, وقتی ہے اس اعتبار سے. لیکن اللہ تعالیٰ پر جب بولیں گے نا, ساری صفات کے اندر یہ کلیہ ہے, کمال, صفات کمالیہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کمالی صفات ہیں, چاہے ذاتی صفات ہوں یا فعلی صفات ہوں, وہ کمالی ہی کمالی ہیں. اس سے مخلوق کی صفت اور اللہ تعالیٰ کی صفت کے درمیان فرق ہو جاتا ہے, فرق ہو جاتا ہے. عون بھی اسی طرح مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, مدد کرنا, اللہ کا مدد کرنا وہ مخلوق کے مدد کرنے کی طرح نہیں ہے, یہ فرق ہے. اللہ المعین ہے, اللہ المستعان ہے. تو بندہ المستعین ہوتا ہے, المستعین یعنی مدد طلب کرنے والا, اللہ المستعان منہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ہر معاملے میں, ہر مشکلات کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کن کہہ کے حل کرنے پر قادر ہے, فوراً وہ ٹھیک کر دے. ایک کتاب چھپی ہوئی ہے, اس کا نام ہے مجاب الدعوی, امام ابن ابی دنیا کی ہے, القرشی کی. اس میں انہوں نے انبیاء اور انبیاء کے جو ساتھی صحابہ کرام اور ان کے بعد والی امتوں میں سے نیک آدمیوں کے ایسے حیرت انگیز دعاؤں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. ابھی دعا کی ہے اسی وقت ہی وہ ٹھیک ہو گیا, ابھی دعا کی ہے اسی وقت ہی مسئلہ حل ہو گیا. وہ ہے اللہ امی یجیب المضطر. ایک عورت کی دعا لکھی جس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی, یا من رد یوسف علی یعقوب, یا من رحم شیبت یعقوب رد علی بصری.
رد علیہ بصری، اتنی دعا کی ہے کہ اے وہ اللہ کے جس نے یوسف کو یعقوب پر لٹایا تھا اور یعقوب کے بڑھاپے پر رحم کر دیا تھا نا، رد علیہ بصری، میری نگاہ واپس لٹا دے۔ اسی وقت ہی نگاہ کھل گئی۔ کئی واقعات ہیں، ایک قیدی تھا، قیدی باہر تالا لگا ہوا تھا، اندر بند تھا، وہ پڑھتا رہا اللہم ان کا دا الرجاء الا منکا، اللہم ان کا دا الرجاء الا منکا، کہ یا اللہ میری رجاء امید ہر طرف سے کٹ گئی ہے لیکن تجھ سے میری امید کٹی نہیں ہے، تو مجھے رہائی دلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے سے اس کو اس کمرے سے باہر جانا وہ نکلنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں باہر کیسے آیا ہوں، یہ بھی اس میں لکھا ہو اسی کتاب کے اندر، حیرت انگیز واقعات اس کے اندر لکھے ہوئے دعا کی قبولیت کے۔ وہ ہے اللہ سمیع بصیر مجیب الدعوات، تو یہ اس کا خاص، یعنی اس کی خاص صفت ہے دعا کو قبول کرنا۔ تو دعا اسی سے کی جاتی ہے، اسی کو پکارا جاتا ہے، غیبی طور پہ اسی سے مدد مانگی جاتی ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔